बहराइच जिले के सुजौली में एक टेम्पू और 15 मोटरसाइकिलों की हुई नीलामी, राजस्व को प्राप्त हुई 1,09,700 रुपए की धनराशि। बता दें जिले के थाना सुजौली में आज 15 गाड़ियां नीलाम की गई। नायब तहसीलदार राजदीप यादव की अध्यक्षता में ये नीलामी हुई, जिसमें 14 मोटरसाइकिल और एक टेम्पो नीलाम किया गया। नीलामी में 23 इच्छुक व्यक्ति निर्धारित 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने के बाद शामिल हुए। सभी वाहनों की नीलामी से कुल 1,09,700 रुपये की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। नीलामी में बलवंत प्रजापति ने 5, तौसीफ अहमद ने 6, जाबिर अली ने 1, जबकि वाहिद खान ने 1 व किशन तिवारी ने 1 वाहन को अपने नाम किया, जबकि 1 चेचिस की कोई नीलामी नहीं हुई। नीलामी में इच्छुक बोली लगाने वाले लोगों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान लेखपाल रवि कुमार, SI राजकुमार यादव, SI ओम प्रकाश यादव, दीवान दिनेश कुमार यादव, अभिषेक मौर्य आदि उपस्थित रहे। आज थाना सुजौली में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे नामित किया गया था, जहां पर 15 गाड़ियों की नीलामी हुई है और जो भी धनराशि प्राप्त हुई है उसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। 15 गाड़ियों में सर क्या बाइक और कौन कौन सी गाड़ियाँ? उसमें कुछ बाइक थी, टेम्पू भी थे, टेम्पू और बाइक ही थी, दो गाड़ियाँ थी उसमें, उसकी नीलामी। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।